नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप लोग फोटो में से टेक्स्ट को कॉपी कैसे कर सकते हो। आपके पास जो फोटो होती है उसमें से टेक्स्ट को डायरेक्ट कॉपी करना पॉसिबल नहीं होता, तो इस वीडियो से आप फोटो के जो टेक्स्ट है उनको डायरेक्ट कॉपी कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ऐप की लिंक दे रही है जिसे आपको डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है टेक्स्ट फेरी। तो टेक्स्ट फेरी आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में ऊपर सर्च करना है टेक्स्ट फेरी, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद में हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। एंड अब मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसे हमें इसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करना है टेक्स्ट फेरी ऐप के थ्रू। तो अब यहाँ पे इस इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो तरीके की लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो इसके अंदर जो हिंदी है और एक इसके अंदर इंग्लिश है। तो इन दोनों को एक साथ कैसे आप कॉपी कर सकते हैं यही हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन कर लेंगे। ऐप को ओपन करने के बाद में आपको नीचे एक कैमरे का शाइन दिख रहा होगा, लेकिन हमें डायरेक्ट कैमरे से नहीं करना, हमें तो गैलरी के अंदर जाके इमेज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली एक इमेज को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने उसी इमेज को सिलेक्ट कर लिया जिसमें खूब सारे टेक्स्ट हैं हिंदी और इंग्लिश के। इसमें आप देखने होंगे कि नीचे नीचे जो इमोजी है वो भी है, तो इमोजी इसमें कॉपी नहीं होगा। तो ऊपर ही ऊपर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इंग्लिश यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश के अलावा हिंदी, गुजराती, बंगाली, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड आपको वही लैंग्वेज इसमें ऐड करनी है जो कि आपकी इमेज के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज है उसमें इंग्लिश है, तो हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया। एक यहाँ से हम हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी जो इमेज है उसमें हिंदी भी है। अगर बाई चांस हमारी जो इमेज है उसमें अगर गुजराती, बंगाली या फिर ऐड मोर पे हम क्लिक करके और भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम इस पर ओके कर देंगे। तो हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर ली और हमने फिर ओके कर दिया। अब सिंपली हम इसे नीचे की साइड में यहाँ पे ऑप्शन है ओके का, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये ऑटोमेटिकली इसमें से टेक्स्ट को कॉपी करने लग जाएगा और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास वो सारे टेक्स्ट आ जाएंगे आराम से। नीचे नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे है ना जो इमोजी थे ना, वो इमोजी यहाँ पे कॉपी नहीं होती, इसलिए हम वो इमोजी के जो टैक्स हैं उनको यहाँ से काट देंगे। यहाँ पे उनको कट करने के बाद में हमारे पास जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ से सिंपली आपको नीचे एक एरो का शाइन दिख रहा होगा, एरो के शाइन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो कॉपी का ऑप्शन आपको नीचे नीचे दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते जो क्लिप बोर्ड है उस पर आपकी ये टेक्स्ट सारी कॉपी हो जाएंगे। हम चलते हैं अब व्हाट्सअप के ऊपर और व्हाट्सअप में आपको ये हम यहाँ पे कॉपी करके दिखाते हैं। तो कॉपी करने के लिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो के वो जो टेक्स्ट थे वहाँ से हमने कॉपी किए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सारे के सारे पेस्ट कर दिए। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है आप इमेज में से टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।